नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS Auto Care। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बाइक फैशन प्लस का है, हीरो का, हीरो होंडा फैशन प्लस, जिसका ये पिस्टन का रिंग आज हम लगाने के लिए जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कैसे रिंग इंस्टॉल किया जाता है पिस्टन में। तो दोस्तों ये इसकी कीमत आपको 500 रुपये मिलेगा लगेगा और इसमें आपको 20 रुपये का कूपन मिलता है, तो उसमें 20 रुपये का लस करके 480 रुपये के आसपास आपको ये पिस्टन पड़ेगा। और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इसमें ये रिंग सेट है, यहाँ देखिए रिंग है सब, और इसमें पिस्टन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पिस्टन, और इसमें एक गजन पिन है, ये देखिए, और इसमें एक लॉक पिन है, दो लॉक पिन जो गजन पिन के साइड में लगता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी को इसमें रिंग लगा कर दिखाएंगे कि इसमें रिंग कैसे लगाया जाता है और इसको कैसे फिट किया जाता है सही तरीके से। इसकी मार्कर लगाकर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम इस रिंग को फाड़ते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन सा रिंग आया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऑयल रिंग का स्प्रिंग है, ये ऑयल रिंग का स्प्रिंग, और ऑयल रिंग के स्प्रिंग के दोनों साइड ये रिंग लगता है। इसमें दो रिंग है पतला पतला सा, ये दोनों रिंग स्प्रिंग के आगे पीछे ऐसे लगता है, ऐसे, ये देखिए ऐसे लगेगा, स्प्रिंग बीच में आएगा। और ये टॉप रिंग है, सबसे ऊपर ये लगता है, और ये काला वाला रिंग सेकंड में लगता है। तो सबसे पहले हम ऑयल रिंग को इसमें इंस्टॉल करेंगे। ऑयल रिंग को हम ऊपर कर लेते हैं, पहले हम पिस्टन में मार्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन है, तीन रिंग है, तीन कट आएगा। तो ऑयल रिंग का कट हम नज़दीक कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं ये गजन पिन का जो निशान छेक दिया है, यहाँ पे ये सेंटर आएगा, ऐसे ये गजन पिन का सेंटर आ गया। तो हम इस पर रिंग का कट नहीं रखेंगे, ये ऊपर वाले रिंग का कट हम एक थोड़ा सा क्रश करेंगे यहाँ पे, और एक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऑयल रिंग का जो कट है, ऑयल रिंग का कट, एक कट हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरा कट यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह समझ लीजिए कि कोई भी रिंग का कट है वो एक साथ किसी रिंग के साथ मैच नहीं करना चाहिए, सबका कट अलग अलग होना चाहिए। बशर्ते ध्यान रखना है कि ये गजन पिन का जो जगह दिया है इसके साथ कोई कट नहीं आना चाहिए दोनों तरफ। तो चलिए इस पे हम रिंग को लगाते हैं। सबसे पहले हम ऑयल रिंग के जो ये स्प्रिंग है इसको इंस्टॉल करेंगे। इसका कट देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका कट हम एक तरफ यहाँ पर दे देंगे, तो इसको हम लगा लेते हैं। इसको ध्यान से लगाएं नहीं तो ये टूट जाता है। आराम से, ज़्यादा टेपर ना करें इसको, ज़्यादा टेपर करेंगे तो टूट जाएगा। ये ऑयल रिंग का कट यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। अब इसका ऊपर से जो प्लेट लगने वाला है, प्लेट वाला रिंग, इसको भी हम यहीं पे लगा देते हैं, इधर से एक लगा देते हैं। इस बाइक के रिंग को ज़्यादा टेढ़ा नहीं किया जाता है, ज़्यादा टेढ़ा करेंगे तो ये टूटने का डर रहता है। चलिए इसको भी हम इस रिंग के ऊपर बैठा देते हैं, ये देखिए बैठ गया। अब इसका दूसरा ये है, दूसरा रिंग, इसको हम इसके ऊपर से लगाएंगे इधर से, क्योंकि इधर से हमने लगा दिया, अब इधर से लगाएंगे तो ये बैठेगा। चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं।
इसका कट है यहाँ पे रखे हैं, तो इसका कट हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए बैठ गया, इसका कट यहाँ और इसका कट यहाँ आ गया। अब इन दोनों रिंग का हम कट यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाले सेकंड खांचे में लगानी है, तो ये काला वाला रिंग हम लगाएंगे। काले वाले रिंग को इधर वाले में लगाएंगे, किसी एक खांचे में हम किसी एक पॉइंट पे इसका कट लगाएंगे। चलिए इसको भी लगा लेते हैं। ये देखिए लग चुका है, ये खांचा पे हम ले आया, यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब टॉप वाला रिंग सबसे ऊपर जो रहता है, अब इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। ध्यान रखना है कि कोई भी कट एक साथ ना आए, नहीं तो इंजन ऑयल उठाने लगेगा, यानी धुआं छोड़ने लगेगा। ये कट यहाँ पे आ गया, देखिए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यानी किसी रिंग का कट एक साथ नहीं रखना है। इसी तरह ये रिंग इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।